জগন্নাথে যে অলনাথে জি আচ্ছা কিন্তু জগন্নাথে দারু ব্রহ্ম ইয়ে শিলা ব্রহ্ম আচ্ছা তো জগন্নাথে কহিলে আকাশ মার্গরি কলে তুমি চৈতন্য ব্রহ্মগিরি যাও মো অলনাথে দর্শন দিবি ব্রহ্মগিরি গুপ্ত জায়গা আচ্ছা যে জায়গা দেবতা জানন্তি নি আচ্ছা বর্তমান আমি আসি পৌঁছিছু বাবা অলনাথ পীঠ যেটা কি পুরী ডিস্ট্রিক্টর ব্রহ্মগিরি শহর যাচ্ছি प्रभु जगन्नाथ मंदिर बड़दाण्ड ठारु 25 किलोमीटर दूर अवस्थित आसतु कहीं अलनाथ बाबा प्रसिद्ध आम एठाकर पूजक को पचारि बुझु आपण परिचय जगन्नाथ सुवर आज्ञा अलनाथ कहीं प्रसिद्ध अलनाथ महाप्रभु को प्रसिद्ध होची खीरी भोग अच्छा महाप्रभु खीरी खाई श्रद्धार सहित भगवान खीरी खाई गोटे बालक हाथ रु आीरी खाई हाथ फोटका चिन्ह रखिंट महाप्रभु जहाँकि शिणारे विद्यमान अच्छे बेबी अच्छी लोक भक्त मैंने जाती दर्शन करतमें शिणारे विदित अच्छी महाप्रभु डायरेक्ट खीरी खाई समय धरा पड़ जाते जो हाथ बुड़े पंडा धरदे हाथ को भगवान प्रभु हाथ को धरदे आस अलार खाओ खीरी बापा जा विदेश कर मुझी दिखना खाइले खाओ ना हे ठाकुर मु पूजा मंत्र कुछ जाने ना तमरी संतान आम किंतु तुम बापा नहांती बापा जा विदेश माँ कही दायित्व जे पुरे तू पूजा करके आसे बापा नहांती पुआ आसी श्रद्धार सहित प्रभु को स्नान कर चंदन लगे सिंघार कर माल लगे महाप्रभु को भेटी दे माने महाप्रभु जावतीय कर्म सरला महाप्रभु को निवेदन एवं खीरी पात्र धरिकी कही हे ठाकुर मु छोटिया बालकटीए पूजा मंत्र किसी जाणी जदि तुम्हें श्रद्धार सहित आसब खाओ प्रभु तुम्हें नियो अर्पण कर मु खेल जी एति कहीकि बालक थोदे जा अच्छा तापर खेल से जो चली जाए 15 मिनट खेल हुए से खेल भितर समाप्त हुए से खेल तापर आसी था दुआर खुलता है भगवान खीरी खाई दिखते प्रथम दिन तापर से खाली पात्र धरिक छुआ घर को जाए घरे तार माँ पचारे जे छुआ खीरी खाई बापा तो सब दिन प्रसाद आणती तू कहीं ठाकुर खीरी आणिन आज ना ठाकुर खाई माँ ना ठाकुर खाई सब तो कहीं मत विश्वास लगुना क्या आज की बहुत दिन धरी तो बापा पूजा कले वृद्ध हेले वृद्ध जो बाल पचीगला सी षोडश पूजार पूजा मंत्र जानती किंतु सी एमती खीरी ठाकुर खाइबार एमती कथा मुझे शुणीना केत कहीना तू जिते कहू ठाकुर खीरी खाई ताल मत यहाँ विश्वास लगुना तो बापा आसू निश्चय कथा बापा को कह ता पर दिन छुआ श्रद्धार सहित पुणी ब्रह्ममूर्ति उठी नित्यकर्म सारिक आसी घर महाप्रभु को निवेदन कर महाप्रभु स्नान शौच सरलापुर महाप्रभुरा अवकाश नीति सरलापुर महाप्रभु को से अर्पण करी खीरी भगवान को डाक प्रभु को निवेदन करके भगवान आसी से भगवान सम्मुख पर थोक से चली जाए खेल खेल समाप्त सरलापुर से पुणी रिटर्न आसार खुल भगवान खीरी खाई खाली पात्र पुणी धरिकी घर को जाइए घरे पुणी तार माँ द्वितीय थर पचार किरे छुआ खीरी खाई ना ठाकुर खाई ना जी खीरी खीरी खाई ना हाँ खीरी खाई मधु खीरी खाई जी खीरी खाई ताहले तो बापा आसले निश्चय कह तू मिछ कथा कहीं ठाकुर ना कहु मिलिया कहीकि गोटे थापुड़े मानने जबड़ाटे मारे जबड़ाटे जो मारी छुआ छुआ को माँ मारी तो छुआ भक्त जन छुआ भक्त टी कांदी मधुसूदन कांदिया भितर बापा दईवात से बापा से समय आसिक घरे प्रवेश होती बापा पचार छुआ को कहीं मारल ना छुआ एमती ठाकुर खीरी खाई बोली छुआ कहू ना एक जी सत्य मधुसूदन ताल काली तुम साथी मु मंदिर जीवि एवं आखिरे देखिले विश्वास करी कथार तो किसी विश्वास जना ना किंतु ये सबू देखला पर जहाँ कथा हे तापर ता पर दिन बाप आ बाप बोले जो श्रीकेतन पंडा महाशय आ पु मधुसूदन मधुसूदन दिज आस भितर ब्रह्म मुहूर्त
महाप्रभुंकर जेमिति नित्य पूजा हुए सेमिति नित्य पूजा सरिछि महाप्रभु को कबाट रे गोटे कोणा से करिछि ता बापो देखिया पाए माने कबाट रे कोणा करिछि अच्छा थुआर जेतल कबाट कोणा कर दिछि तापर यार जेतल खीरी भोग सरी आइछि खीरी भोग सरी गिरी महाप्रभु को सम्मुख रे थोई दिछि तो महाप्रभु को से बाप को कछि ना दुआटा को दे दिछि आउज दिछि कबाट खिड़की आउज दिछि तापर बाप पळि आछि हो आसला पर से किसी समय पर गोटे आवाज है शब्द हला भितर सी जो जातर को जाकि दुआर कणारे अन भगवान आसते ठाकुर खीरी अलानाथ बसी महाप्रभु गरम गरम खीरी में हाथ बुड़ाऊँच हाथ बुड़ा से पंडा देखिक दुआर खोलीदेला ठाकुर प्रभु हाथ को धरदेला प्रभु भी सेठी कहले प्रभु कहले ब्राह्मण देवता जहाँ वर माग मुवी मो संतुष्ट अच्छी प्रसन्न अच्छी तुम्हें जहाँ वर माग देव मुझे देवी कि मो हाथ छाड़ दे मो हाथ संपूर्ण पोड़ जा तो से समय से आ हाथ छाड़ा ना मुंडा कहला तुम का चोरी करी पहर दिन चोरी करी खाइ आज धरा पड़गल बोली कह हाथ छाड़ी ना जमा छाड़ी चाहे जी आसू ब्रह्मा आसतु शिव आस आस छाड़ी तो छोट से ही समय छोट बाड़क बाँ हाथ को धरी प्रभुंर बाम हस्त को धरिकी कही बापा बापा मो प्रभु हाथ छाड़ दिए कोमल हाथ जलीज नष्ट ठाकुर जगदीश्वर हाथ पुओ को सीचाड़ दे मैं हाथ छिचाड़ दे बाप पुअर मुंडटा जा शिड़े बाजि शिड़े बाजिया द्वारा मुंडटा फाटीगला अच्छा से जो फाटिया द्वारा जो रक्तटा बोला से रक्त को देखिक नारायण क्रोधित हो गए विष्णु भगवान क्रोधित हो जाते और क्रोधित होकर अभिशाप दिखते चंडाल ब्राह्मण कौन कल मो भक्तर मुंड फटेदल मो भक्तर मुंड जो फाटीगला आक्तर यो रक्त ये खून ये देखिक मो देह सहला तेणु मुझे अभिशाप दौर तुमको सब समुद्र जल तुम सब नाश हो तेणु समुद्र जल सब बुड़ की तुम्हें ब्राह्मण ध्वंस होवल मधुसूदन वैकुंठ जाओ वैकुंठ जीव तो मधुसूदन को प्रभु वैकुंठ धरिक वैकुंठ ये पलैले अंतर्ध्यान हो जगह ब्रह्मगिरी यही जगह अंतर्ध्यान तापर शिलार रही है फोटका जो हाथ चक्र हाथा संपूर्ण पोड़ अच्छा महाप्रभु मुहरे गोटे फोटका अच्छी अलानाथ फोटो मुहरे माने नाक पाखरे गोटे फोटका अच्छी छाती रे गोटे फोटका अच्छी ठाकुर शिलारे एबे भी विद्यमान अच्छी माने लोक देखुं भक्त माने महाप्रभु खीरी कहीं खाइले सब तो ठिया माने अन्न डाली बेसर ये सब प्रभु खीरी कहीं प्रिय गले ना खीरीटा प्रिय थिला बेलऊ ना बेलऊ गौड़ माने अलार बोली गोटे गाँ अच्छी आलवर जे कि अलार अलार बोली गाँ ना अच्छी किंतु ग्राम ना अलार किंतु एठी गौड़ माने किछि रहंती से माने प्रभु को सेवा भी करंती अच्छा से नित्य क्षीर आनी दिंती अच्छा तांकर गोटे पाली थाए अच्छा से पाली करिवे पाली करिक क्षीर देवे महाप्रभु को अलार बासी ग्राम बृंद माने से क्षीर रे महाप्रभु को खीरी भोग हो अच्छा से पुणी गाय क्षीर अच्छा ठीक अच्छे से खीरी भोग हे से खीरी भोग हालापर से कहते कोठ भोगी कोठर बाहर दार महाप्रभु प्रसाद झी पाया कथा पाइला कि प्रभुंर कि एथेर भूल ना प्रकृत भगवान प्रभुंर कि दोष ना दोष अच्छी कौन ना जोटा हबार थी हम जहाँ इतिहास रही बापा से सब वंश निपात हो गला हाँ समुद्र जल माड़ी आसला अच्छा समुद्र जल रे सब ब्राह्मण कमा वंश जाति ब्राह्मण माने सब समुद्र जल बुड़गले अच्छा एमती हजार दिन हो सब ब्राह्मण मरीगले समुद्र जल रे हजार दिन हो पूजा हो पाइलानी मंदिर मंदिर बहुत दिन पा जमी रहा पा जो माड़ी आसला समुद्र अच्छा से समुद्र पा पूरा एकदम जमी रहा अच्छा माने मंदिर गर्त थिला ना गभीर थिला तो मंदिर चार चतुर्थ वर्ष जल एम मग्न हो रहा बुड़ी पा धीरे धीरे शुष्क है भितर ये बकुल वन सृष्टि
ବକୁଳ ବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମାନେ ବାଲୁମୟ ହେଲା, ବାଲୁମୟରୁ ବକୁଳ ବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲା, ସାରା ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ସମାପ୍ତ କରି ହରିନାମ ପ୍ରଚାରିତ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲେ କେଉଁଠିକି ନା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀରା ମଠ ଅଛି, ମଠ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ, ଆଉ ସେ ମଠ ବାଲିସାହି ଭିତରେ, ପୁରୀ ବାଲିସାହି ଭିତରେ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନାଚନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥିଲା, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ, ଏ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏ ମିଳନ, ଏ ମିଳନ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ମନରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳତର୍ପଣ କରିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବି ତାପରେ ଯାଇ ଜଳତର୍ପଣ କରିବି। ତ ସେ ନିତ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନିଜେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନଚଉଥିଲେ, ନିଜେ ନାଚୁଥିଲେ ଏବଂ ଚାରିପାଠ ଯାକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ ଯାକ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଶେଷକୁ ସେ ହରିନାମରେ ମଜି ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ନିତ୍ୟ ଏହିପରି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ମଠକୁ ଆସନ୍ତି, ମାନେ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠକୁ। ସେ ମଠରେ ଜଣେ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ, ଜଣେ ଥାନ୍ତି ସାରଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ସବୁବେଳେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ସବୁ କରନ୍ତି। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ହଲି ଢୁଲି ପ୍ରଭୁ ଆସିକିରି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ନାମ କହି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକିରି ବସିଯାଆନ୍ତି ଗମ୍ଭୀରା ମଠ ସାବଧାନ। ଯେଉଁ ଜଣେ ଜଣେ ଆମର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧ ବାବା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ସାରଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସିଏ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଠ କରନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ନାଚି ହଲି ଢୋଲିକି ଆସିକି ବସିଯାଆନ୍ତି। ବସିଗଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲାନି, ଏଇଟା ସାତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିଲା, ତ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦୁଆ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେନି, ଦୁଆର ପଡ଼ିଗଲା। ତ ଦୁଆର ପଡ଼ିଗଲା ପରଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବସି ରହିଲେ ଗୌରସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ କରିକି ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ। ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ଠିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ହେଇଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ କହିଥିଲେ, ହେ ଚୈତନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ, ତୁମେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାଅ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ଗଲେ ମୁଁ ଅଲାନାଥ ରୂପେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ଠାକୁର ଅଲାନାଥ ଯିଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଅଲାନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ଅଲାନାଥ ଯିଏ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଇଏ ଶିଳା ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ, କହିଲେ ତୁମେ ଚୈତନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଯାଅ, ମୁଁ ଅଲାନାଥ ରୂପେ ଦର୍ଶନ ଦେବି, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଗୁପ୍ତ ଜାଗା, ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେବତା ଜାଣନ୍ତିନି, ତେଣୁ ତୁମେ ସେଇଠିକି ଯାଅ। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ, ଏଇ ଜାଗା ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପଥର ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ପଥରଟା ଏଠୁ ଉଠାଯାଇକି ସେଠି ରଖାଯାଇଛି, ଏଠି ସେଠି ରଖାଯାଇଛି, ସେ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ପଥର ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ପଥରଟା ଥିଲା। ତ ଚୈତନ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର କ'ଣ ରହିଛି, ଏ ପଥର ଉପରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆସିକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଅଲାନାଥଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପଥର ଚିହ୍ନ। ଆଚ୍ଛା, ପଥରର ଚିହ୍ନ, ଏ ଯେଉଁ ପଥରର ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ଖାଲଟା। ଆଚ୍ଛା, ମଝିଟା ହେଉଛି ବେକ। ଆଚ୍ଛା, ମଝି ଅଂଶଟା। ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇ ସାଇଡ୍ରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖାଲ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା, ସେ ଦୁଇ ହାତ, ଭଗବାନ ଦୁଇ ହାତ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଦୁଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା, ସେ ଦୁଇ କହୁ। ଆଚ୍ଛା, ମଝିଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଟା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଦୁଇଟା ଆଣ୍ଠୁ। ଆଚ୍ଛା, ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଚର। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଷାଷ୍ଠ। ଆଚ୍ଛା, ପଥର ତରଳିଗଲା ଭକ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଭକ୍ତିଶିଳା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶାସ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ, ପଥରଟା ତଳିକି ଏଇଭଳି ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଗରୁ ଏମିତି ରହିଛି,
महाप्रभु यही विरह भाव में आसते राधा भाव राधा भाव राधा भाव कि भगवान प्रति भल पाए तो प्रभु प्रति एत प्रेम थिला से कौन कले दौड़ी आसिले दौड़ी आसिक अलानाथ पाखे ये पथर उपर से पड़गले लंब से पथर तर बड़ी जो लगला शरीर लगला ये पथर सब खाल खाल हो गला से जो खाल देखे सब शरीर चिन्ह ब्राह्मण अलविंद आचार्य आसते अलविंद आचार्य ब्राह्मण अलविंद आचार्य ब्राह्मण को नेतृत्व रे एठी ब्राह्मण को निजुक्ति दिया गला हाँ पुनर्वार ब्राह्मण निजुक्ति कले कारण जिते बड़े पुरी राजा झाड़ू कहती पुरी राजा झाड़ू दौ हटात कांची राजा जाइथिले जाइथिले पहुँची गले कौटी ठीक झाड़ू जो झाड़ू कर राजा रथ उपर पहुँची गले जगन्नाथ जगन्नाथ बस तो कांची राजा कहले चंडाल ब्राह्मण चंडाल राजा हो कि चंडाल कम कर तुम झाड़ू कम कर नीच कम करोट कम करमको लाज शरम ना हाँ राजा हो आज्ञा देवा कथा तो प्रत्ये लोक ठिया ताको सामने तुम झाड़ू कर तुम्हें एत छोट मु तुम झी मो झी तुमको देवी ना तुम जदि हिम्मत अच्छी तुम्हें क्षत्रिय संतान तुम्हें मो सांगे युद्ध कर युद्ध मत परास्त करला मुझे तुमको झी दे तुम छोट कम कर तुम राजा कौन हे थ्रु कह चलीगले राजा राजा अपमानित कर दी जो गले पुरी राजा को तो पुरी राजा जगन्नाथ को डाकिले रात्र तो जगन्नाथ महाप्रभु कहले तुम्हें अलानाथ शिला दे कि जाओ युद्ध मुझे तुम सांगे तो अलानाथ को दर्शन करके जाओ तो महा राजा ये आसते पुरी राजा पुरुषोत्तम देव पुरुषोत्तम देव राजा आसते आसा भितर ये कही ना महाप्रभु चरण से सी कौन करते गोटे नाड़ी नड़ियाटे रखते मानसिक करते प्रभु जाऊँ युद्ध को युद्ध विजय हेले मुझे निजुक्ति करदेवि सेवा सेवक रखीदेवि तो महाप्रभु गोटे मानसिक कर राजा गले राजा आगे जगन्नाथ बलराम जाते सतपड़ा चिलिका रास्त गोटे दहीखिया जगह पड़ी 20 किलोमीटर गलापुर सतपड़ा से दहीखिया गोटे जगह अच्छे दहीखिया जगह जो से दही खाई जगन्नाथ बलराम से जगह से माणिकपाटना गाँव गोटे अच्छे माणिकपाटना गाँव रोटे गौजुड़ी तार काम था दही बिकवा तेणु से दही बिक्री कै माने सहर बजार गाँ बुल बिक्री कै तार से दिन बेपार है ना जो दिन जगन्नाथ बलराम रास्त जाती तार से दिन बेपार है से बुली बुली खरारे बहुत प्रकार माने हताश हो पड़ा एवं गोटे रास्तार बड़ गछ मूल में बसी पड़ा बसिक प्रभु को डाकिला कह हे जगन्नाथ हे माधव हे केशव मोर के आज बेपार हम मोर तो आज पर चल पैसा पत्र से ना कौड़ी चलूला से कौड़ी केमती मिले मत कौड़ी बोले बुझीप बाहर जो खेल कौड़ी से कौड़ी की टंका रूप में व्यवहार करा पूर्व पूर्व से टंका रूप टंका ना टंका तो बहुत ही आसला आम शुणिया शुणा कथ कह ये आखिर देख शुणा कथ तो महाप्रभु से महाप्रभु आसते जगन्नाथ कौड़ी दे कौड़ी कौड़ी नाला पाखे सी आग खाई चलते नागिले दही सी जगन्नाथ को देखिक स्तंभीभूत हो गला किए माणिक कहीं ये सुंदर जगन्नाथ से देखिक स्तंभीभूत हो गला तापर से दही सब खाई जगन्नाथ खाई पर ये मागिच कौड़ी तो कौड़ी सी नाला गोटे रत्न मुद्रिका मुद्रिका दे कहटा जगन्नाथ दे कहटा पचर राजा आसुच्च राजा को देख कह गोटे जगन्नाथ बलराम दही खाई जा पैसा पाउडा ये देना मुद्रिका दे दीजिए राजा को देखे से चिन्ह पार तो राजा को सी देखले जिते माणिक देखला दहीखिया जगार पुरुषोत्तम देव राजा से प्रभु राजा चांदी पार कह धन्य माणिक तू ये कहा मुद्रिका तू रखीचु प्रभु जगन्नाथ मुद्रिका तू रखीचु जगन्नाथ को तू हाथ में खुआई देलु बलराम को हाथ में खुआई देलु तू आखिरे दर्शन कलु मोर तो आखि थाई कि देखी पाइल तू देख लु तेणु तू धन्य माणिक तू भक्त तेणु राजा ताकू स्वर्णमोहर किछटा दे से जगन्नाथ दहीखिया रखी
ଚାଲିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧକୁ। ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଭୀଷଣ ଭୟାନକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, କାଞ୍ଚି ରାଜା ପୁରୀ ରାଜା ଭୟାନକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ଥିଲେ, ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ବିଜୟ ତାପରେ ଏଠାରେ ଏଠାରେ ଅରବିନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ତାମିଲ ବଂଶ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ତ ଅରବିନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ଏ ମନ୍ଦିର କରାଯାଇଛି ରାଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଅଲାରନାଥଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା କେଉଁ ଦିନ ହୁଏ? ଅଲାରନାଥଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଅଣସର, 15 ଦିନ ଅଣସର ହୁଏ। ଏଇଟା ଆମର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଆଚ୍ଛା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ନାନ କରିବେ ପୁରୀରେ, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ। ତାର ପର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଆରମ୍ଭ ଦିନଠୁ 13 ଦିନ କୁହାଯାଏ, 14 ଦିନ ନାହିଁ 13 ଦିନ, 13 ଦିନ 13 ଦିନ ଗହଳି ହୁଏ, 14 ଦିନ ଉଭାମାସିଆ ହୋଇଯାଏ, ଆଚ୍ଛା, କାରଣ 14 ଦିନ ଅଣସର। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ଜ୍ୱର ହେଲେ ଏଠି ପୂଜା ଆସେ, ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସେ, ସେଠି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ, ଏଠି ଏଠି ଶିଳା ବ୍ରହ୍ମ, ସେଠି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ। ଜାଗର ବେଳେ ଏଠି କିଛି ବଡ଼ ପୂଜା ହୁଏ? ଜାଗର ନା, ଜାଗର ଆମର ଏଠି କରାଯାଏ ନା ଲୋକନାଥ। ଆଉ ଆମର ରଥ ଏ ଜାଗାରେ କେବେ ହୁଏ? ଏ ଜାଗାରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ରଥ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ? ରଥ ଫଥ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଶିଳା ବ୍ରହ୍ମ କହିଦେ। 13 ଦିନ ଯେଉଁ ଅଣସରରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ ହୁଏ? ହଁ, ଅଣସର ଦେଢ଼ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର କିଛି ରହସ୍ୟ ଥାଏ କି କିଛି ଅଣସରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି? ହଁ, ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଏମିତିକି ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ଅଲାରନାଥ ଯେଉଁ ନାମ ଗ୍ରାମ ଅଲାର ନାମର ଅଲାରନାଥ ନା ପ୍ରଭୁ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ବୟସରେ କହିଥିଲେ ମୋ ନାମ ଅଲାରନାଥ? ଅଲାରନାଥ ତାଙ୍କ ନାଁ ରଖିଦିଆ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମନାରାୟଣ, ବ୍ରହ୍ମନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମନାରାୟଣ ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମନାରାୟଣରୁ ନେକ୍ସଟ ନାମ ହେଲା, ତା'ପରେ ନାଁଟା ହେଲା ଅଲାରନାଥ। ଯେବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅଲାରନାଥ। ଅଲାରନାଥ ଯେହେତୁ ଅଲାର ଗ୍ରାମ ଅନୁସାରେ ଅଲାରନାଥ ଆଲୁଅର 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 ନାଥ ଅଲାରନାଥ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆଲୁଅର ନାଥ ଥିଲା, ଆଲୁଅର ନାଥ ଅର୍ଥ ଦକ୍ଷିଣ ତାମିଲ ଭାଷା। ଆଚ୍ଛା, ଦକ୍ଷିଣ ତାମିଲ ଅରବିନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଚ୍ଛା, ଅରବିନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଲୁଅରନାଥ ଆଲୁଅରନାଥରୁ ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ଅଲାରନାଥ, ସେଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଭାଷା ଥିଲା ଆଲୁଅରନାଥ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ହଉ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଅଲାରନାଥ ପୀଠ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନନାଥ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୁଅରନାଥ ଯେଉଁଟାକି ଦକ୍ଷିଣ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆରେ ଅଲାରନାଥ। ପୁରୀ ପୁରୀରେ ରହିଛନ୍ତି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ, ଏଠାରେ ଶିଳାବ୍ରହ୍ମ। ଆସନ୍ତୁ, ଏ ପୀଠକୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା।